कोटा जेके लोन अस्पताल के एचओडी बैरवा साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पहले पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है, एक महीना सोम होते हैं इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, क्या कारण आपको लग रहा है? क्या उपकरण सही नहीं है, डॉक्टरों की निग्लिजेंसी है, किस तरह की बात आप सोचते हैं? क्योंकि देखिए, आप एचओडी हैं, शायद बेहतर बता सकते हैं। देखो, ऐसा है, हम करीब करीब सारे डेटा 2014 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक के डेटा करीब करीब हर मीडिया के पास में है। हर महीने कितनी डेथ हो रही हैं, एवरी ईयर कितने भर्ती हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, सारे डेटा आप लोगों के पास में है। और अगर हम यूजुअल ट्रेंड देखें तो 2014 से 2019 तक की जो डेथ है, हमारी परसेंटेज वाइज डेथ है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है और भर्ती की रेट जो है बढ़ती जा रही है। समझ गया? डेथ रेट कम हो रही है, भर्ती बढ़ती जा रही है, इसका मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो है, इसी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं लोग बाग इलाज कराने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ, जितनी यहाँ पे जो डेथ हुई हैं उसमें से मोर देन 70% डेथ न्यूबॉर्न की डेथ, यानी कि नवजात शिशुओं की डेथ है। उसमें से भी 70% जो बच्चे हैं वो लो बर्थ वेट है या प्रीटर्म बेबी है। लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बेबी वैसे बहुत हाई रिस्क बेबी होते हैं और इनको बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और मेजोरिटी जो बच्चे यहाँ न्यूबॉर्न्स आते हैं जिनकी डेथ हुई है, ज़्यादातर आउटबोर्न है या रेफर्ड है। समझ गया? अब आउटबोर्न और रेफर्ड जो बच्चा है जहाँ से यहाँ तक आएगा उसमें चाहे उसको कोई सी भी बीमारी हो, उसको कोई सी भी बीमारी हो, पर तीन फैक्टर जो हैं वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी बीमारी को, अगर 1% बीमारी उसको 90% या 100% तक भी मल्टीप्लाई कर सकती है। वो सबसे बड़ा फैक्टर है हाइपोथर्मिया, दूसरा फैक्टर है हाइपोग्लाइसीमिया और तीसरा फैक्टर है हाइपोक्सिया। ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसकी बीमारी को मैनिफोल्ड बढ़ा देते हैं। समझ गया? जब सर्दी का मौसम ज़्यादा होगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हाइपोथर्मिया की रेट ज़्यादा बढ़ेगी। हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि सर्दी में बॉडी को ग्लूकोज और चाहिए एनर्जी बना टेम्परेचर के, तो हाइपोग्लाइसीमिया की रेट। और ये दोनों फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोई सी भी न्यूबॉर्न की बीमारी है उसको मेनी टाइम्स उसको बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ईमानदारी से सब बात बता रहे हैं, क्योंकि आपने छुपाया भी कुछ नहीं, अपनी रिपोर्ट में भी सब कुछ बताया, कितनी मशीनें खराब है यहाँ तक भी बता दिया। लेकिन जो अभिभावक हैं वे, उनको तो वो तो आप लोगों पे भरोसा करके कई बार आते हैं। मैं इसका अगर मशीनें ठीक नहीं है, मेरी बात सुनिए, अभिभावकों का हमारे पे भरोसा है, उसी की वजह से आज ये बिल्डिंग खड़ी है, उसी की वजह से हमारे एडमिशन डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एडमिशन बढ़ा, चिकित्सा उपकरणों की बात में बता, सुनिए, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। आपने अभिभावकों का विश्वास किया, अगर अभिभावक हमारे पर विश्वास नहीं करते, हमारी चिकित्सा केयर पर विश्वास नहीं करते तो यहाँ क्यों आते? हमारे यहाँ हर दिन डेली कम से कम 250-300 का ओपीडी होता है, 250-300 का ओपीडी वहाँ होता है, तो ये इसी का नतीजा है। और हम किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उस परिस्थिति के बारे में जिक्र करना ज़्यादा जरूरी होगा रादर देन और चीज़ों की। फैकल्टी हमारे पास कम है, 12 का फैकल्टी है, 12 फैकल्टी में 7 फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ भी हमारे पास बहुत कम है, तो इतने कम स्टाफ के बावजूद, इतने कम डॉक्टर्स के बावजूद वी आर डूइंग आवर बेस्ट, और उसका नतीजा भी दिख रहे हैं कि आपके मॉर्टेलिटी तो रेट कम ही हो रही है। रास आवल संसाधन का संसाधन नो डाउट कम है, संसाधन का वेयरिंग टेयरिंग होती है, पीडियाट्रिक केयर जो है वो इक्विपमेंट्स पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपका ये कैमरा भी चल रहा है, अभी इसे 1 सेकंड में आपकी बैटरी में गड़बड़ और आपका बंद हो जाएगा, अब इसको ठीक कराने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपका पर्सनल है आप 2 मिनट में ठीक कर सकते हो, अगर यही आपकी कंपनी के द्वारा ठीक होने वाला है इट टेक्स 24, कम से कम 2-3 दिन कितने लग जाएंगे कुछ नहीं कह सकते, जितना लंबा प्रोजेक्ट है उतना ठीक होता, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। पर मैं आपको ये, चूँकि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे डबलिंग ट्रिपलिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, तो जो अगर उपकरण खराब भी है तो उसकी वजह से किसी बच्चे के हेल्थ के को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जितने उपकरण हैं उससे सबको, हर बच्चे को सारे उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को एक उपकरण की जरूरत, किसी को दो की पड़ती, तो उपकरण तो मूवेबल है ना, बच्चा भी मूवेबल है। अगर उसको यहाँ से, यहाँ इस बच्चे के अगर वेंटिलेटर काम, इस बेड पर वेंटिलेटर लग रहा है
और इस बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, दूसरे बेड पे दूसरा बच्चा है उसको वेंटिलेटर देता है, वेंटिलेटर वहाँ से शिफ्ट हुआ हो जाता है। एक और ईमानदारी से आपसे जवाब चाहूंगा, हमने आज की नज़ारे की बात बता रहा हूँ, आज जो अंदर दृश्य देखा, एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज हैं, क्या आप अपनी ओर से सरकार को लिखेंगे कि इस तरह के हालात तो कुछ और दिया जाए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, ये अब आप इन्फेक्शन भी हो सकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है और हम इस बारे में बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर चूंकि ये चीजें हमारे भी बस में नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज खुला था 91 के अंदर और क्लिनिकल साइड चालू हुई थी 93 में। 23 अगस्त 1993 को हमने इस जेकेलोन में कदम रखा था, तब भी यही हालात थे, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन थे, आज भी वही हालात है। नो डाउट बेड की संख्या उस टाइम 75 बेड थे, आज के टाइम हमारा 174 बेड है, पर चूंकि ओवरलोड बढ़ गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया, रेफरल ज़्यादा बढ़ गया, पहले पेशेंट यहाँ कम रेफर होते, यहाँ से सीधे जयपुर जाते थे, तो रेफरल अब जयपुर गिने चुने कोई भूल चूक में कोई जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे खुल गए, उनके रेफरल कम हो गए, तो वर्कलोड भी बढ़ा है पर संसाधन उसके हिसाब से नहीं बढ़ पाए। इसके लिए हमने व्हेन आई टेक द चार्ज ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट वी हैव प्लान, और यहाँ पे राज्य सरकार ने यहाँ मीटिंग ली थी मंत्री महोदय ने, हमने उनके सामने प्रपोजल रखा कि साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है, ओवर क्राउडिंग है, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन बच्चे रखने पड़ते हैं, आप कुछ करिए। उन्होंने कहा आप प्रपोजल बना के दीजिए, हमने प्रपोजल बना के दिया। अब चूंकि हर चीज़ संसाधनों के ऊपर डिपेंड करती है, वो सारे प्रपोजल। छोटा सा आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल ये है, आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने साफ साफ बोला, कई बार पेरेंट्स जो बच्चों को क्रिटिकल बच्चों को लेके आते हैं सही तरीके से वक्त पे नहीं आ पाते हैं, इसके कारण भी डेथ रेट काफी बढ़ गया। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया ना, मैं पहले ही आपको बता दिया कि जो आपने जो कहा, जिसका मंत्री साहब ने आप बता रहे हो, उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ से लेके आता है तो अगर हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया का ध्यान नहीं रखा तो उसकी 1% की बीमारी कितने गुना बढ़ेगी डिपेंड करता। अगर आप यहाँ हैं और अभी यहाँ का टेम्परेचर 0-22 पे पहुँच जाए, आप क्या करेंगे? आपके पास भी अगर साधन नहीं है बचने के लिए तो आपकी कोई कुछ भी हो सकता है। सर, 2 मिनट के लिए। तो ये है डॉक्टर बेरवा, HOD है इसी जेकेलोन अस्पताल के, तर्क दे रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है इस तरह की घटनाओं का, सुधार की क्या कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं कि यहाँ से हमेशा सरकार को रिपोर्ट बना के दे दी जाती है कितनी चिकित्सा मशीन खराब है, कितने उपकरणों की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से ही इस अस्पताल को मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है, और शायद यही कारण है कि इस तरह की घटनाएँ भी अक्सर यहाँ पर देखी जाती है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ, कोटा, News24।